छतरी मेवाड़ा कुमावत समाज का निःशुल्क विवाह सम्मेलन बसंत पंचमी पर सांवेर तहसील के ग्राम बालरिया में आयोजित किया गया, जहां समाज के 39 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। छतरी मेवाड़ा कुमावत समाज सामूहिक विवाह समिति बालरिया के मार्गदर्शन समाज सेवी व गुजरात से आए रामदेव नागोरा और रूप नारायण कुमावत ने इस मौके पर बताया कि बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर भव्य विवाह समारोह संपन्न हुआ, जिसमें समाज के 38 जोड़ों के साथ ही एक ब्राह्मण परिवार के एक जोड़े का निःशुल्क विवाह भी करवाया गया। कुमावत समाज के हजारों महिला पुरुषों की उपस्थिति में यह विवाह आयोजित हुआ। इस समारोह में परिणय बंधन में बनने वाली सभी वधुओं को सोने चांदी के सुहाग चिन्ह और शादी के जोड़े के साथ ही गृहस्थी के बर्तन भी आयोजन समिति की ओर से दिए गए। इस निशुल्क विवाह समारोह में भोजन से लेकर वर वधुओं पर आने वाला संपूर्ण खर्च बालरिया गांव के ही सभी कुमावत समाज के लोगों ने उठाने का संकल्प लिया। इस मौके पर आशीर्वाद देने के लिए कुमावत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराचंद कुमावत एवं पूर्व विधायक राजेश सोनकर वर वधुओं को आशीर्वाद देने पहुंचे। चंद्रावती गंज से संतोष व्यास की रिपोर्ट। कुमार समाज ने निःशुल्क सामूहिक विवाह रखा गया है समिति द्वारा। समिति इनको बहुत बहुत स्वागत करती है, इनका अभिनंदन करती है। और समिति ने मंगलसूत्र, सोने का मंगलसूत्र, बिछूड़ी और वस्त्र इन्हें हमने पूरी समिति ने कन्या को दान किया, कन्यादान दिया। मैं इनको समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज के आयोजन में सभी बता रहे, मैं कुमार समाज के लोग सभी का मैं तन मन धन में इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। छत्री मेवाड़ा कुमार समाज ग्राम बालरिया की तरफ से सामूहिक शादी, आप सब लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप बड़े बड़े धन्यवाद देता हूँ। आप अतिथि आए, बहुत खुशी की बात है। और अगला क्रम भी कभी हो संकल्प करते हैं, ऐसा क्रम फिर भी हो इसके लिए बहुत आप लोगों की धन्यवाद। तो 39 जोड़े आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का एक भव्य हमारे समाज का आयोजन है। और कुमावत समाज वो समाज है जो सामूहिक विवाह का प्रणेता है। 50 साल से कुमावत समाज में सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है और आज पूरे देश में लगभग 15 से 20 जगह कुमावत समाज में सामूहिक विवाह है। हम ये मानते हैं कि फिजूल खर्ची पे रोक हो, लोग ये समझें कि जो सामूहिक विवाह में जो शादी है वो शादी जैसे राम जी के स्वयंवर में राम जी की शादी हुई उस तरह की शादी है। यहाँ हजारों लोगों का आशीर्वाद उन जोड़ों को प्राप्त होता है और जो ये इन जो इनके सामूहिक विवाह से जो घर पर परिवार में बचत से ये लोग ये शिक्षा लें कि उस बचत से अपने बालक और बालिकाओं को जो इनके आगामी जीवन में आने वाले हैं उनके लिए उस शिक्षा के रूप में उसको खर्च करके और देश और समाज में अपना भी नाम रोशन करें और समाज का नाम भी रोशन करें।